मथुरा थाना मगोर्रा पुलिस ने फरार चल रहे झोला छाप डॉक्टर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि गैर कानूनी तरीके से गर्भपात किया करता था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, जिसे थाना मगोर्रा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात आदित्य कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त मूल रूप से ग्राम घाटमपुर सादाबाद जिला हाथरस का रहने वाला है, जो कि जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास स्थित ग्राम गोराई बैंक वाली गली में काफी वर्षों से अपना फर्जी क्लिनिक चलाकर महिलाओं का गर्भपात किया करता है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के रहने वाली दो महिला और पुरुष थाना मगोर्रा के क्षेत्र गाँव बच गाँव की रहने वाली युवती को झोला छाप के पास गर्भपात कराने के लिए लेकर आए थे, जहां उसने तयशुदा रुपए लेने के बाद युवती का गर्भपात कर दिया और उसे अपने साथ घर ले गए। लेकिन कुछ समय बाद ही युवती की हालत बिगड़ने लगी, जिसका इलाज अन्य अस्पतालों में करवाया गया, लेकिन गर्भपात के दौरान युवती सही इलाज नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण अन्य डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए और युवती की हालत रोजाना बिगड़ती गई। लेकिन कुछ दिन बाद ही युवती की मौत हो गई, जिसके चलते मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस उक्त मुकदमे में वंचित लोगों की तलाश में जुट गई, जहां पुलिस ने तीन लोगों को पहले ही पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर थे, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा और पकड़े गए अभियुक्त को विविध कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है। जनपद मथुरा में थाना मगोर्रा के अंतर्गत कुछ समय पहले एक लड़की की बलात्कार के बाद और उसमें गर्भपात हुआ था, जिसमें संक्रमण फैलने के कारण मृत्यु हुई थी। इसी घटना में एक अभियुक्त बचा था, जो झोला छाप डॉक्टर है, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। ये हाथरस का रहने वाला है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये जन अजय कुमार सनाफ धर्मवीर इसका नाम है। इसके पास से क्या बरामद हुआ है, कैसे सिद्ध हो रहा है कि ये यही है? अब ये विवेचना का बिंदु है, इसमें एसएचओ एसओ मगोर्रा ने विवेचना की है, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।